हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। तो आप सभी लोग प्रैक्टिकल को लेकर के थोड़ा परेशान थे कि सर कब होगा, कैसे होगा और कितने मार्क्स का होगा, क्या करना होगा प्रैक्टिकल के लिए। तो आज मैं आपके लिए एक लाइव सेशन ले रहा हूँ जिसमें कि मैं बेसिकली प्रैक्टिकल के बारे में गाइड करने वाला हूँ आप सभी लोगों को। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए इस सेशन को। और चलिए, आ गए सारे लोग? और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट स्किप कर दिया कीजिए, क्योंकि जब मैं लाइव आता हूँ तो बच्चों से थोड़ा कनेक्ट कर रहा होता हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, चलिए, आ गए सारे लोग? हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो मैं कमेंट सेक्शन आपका ओपन कर लिया हूँ और आप सभी लोगों के साथ इसमें हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है डी फार्मा में प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है। जैसे कि आपने थ्योरी दे दिया, तो अब बारी है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल आखिर कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, कब तक होगा? तो कब का तो आंसर मैं सीधा कहूं तो अभी तक कोई डेट नहीं आया है। डेट आएगी, BTUP की मैं बात कर रहा हूँ, तो डेट आएगी तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कब तक के कहते हैं डेट आना है ना। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है और कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू पैटर्न के आधार पर PCI का सिलेबस देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक सिलेबस है, अगर आपके पास ये सिलेबस नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे इस तरीके से डी फार्मा सिलेबस। ठीक है, आपको टॉप पर एक PDF दिख जाएगी, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये PDF ओपन हो जाएगी। ये टोटल 81 पेज का PDF है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है ना। इसी के अकॉर्डिंग आपका जैसे थ्योरी एग्जामिनेशन का पैटर्न फिक्स किया गया है, वैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के भी पैटर्न फिक्स किए गए हैं। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करके इसके 14th नंबर पेज पर आएंगे तो आपको किसके बारे में गाइडलाइन देखने को मिल जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में गाइडलाइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर के गाइडलाइन देखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपका जो पेपर होता है, हर एक पेपर 200 नंबर का होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट यदि है तो 200 × 5 कर लीजिए तो 1000 नंबर का टोटल एग्जाम होता है आपका। ठीक है, अब 1000 नंबर का अगर आपका पेपर हो रहा है तो 100 नंबर थ्योरी होता है, 100 नंबर प्रैक्टिकल होता है। अब 100 नंबर थ्योरी में आप कर चुके हैं, 80 नंबर का आपने बोर्ड पेपर दिया, प्लस 20 नंबर का आपको इंटरनल एग्जाम लिया गया जो कॉलेज के द्वारा सेशनल एग्जाम्स के बिहाफ पे मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 100 नंबर का हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है। अब जो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में भी दो चीजें होती हैं, एक 80 नंबर जो कि एक्सटर्नल आते हैं कॉलेज और वो आपसे पूछेंगे, वाइवा लेंगे, एक्सपेरिमेंट करवाएंगे उसके बिहाफ पर, और 20 नंबर कॉलेज वाले देते हैं आपको जिसमें कि आपका असाइनमेंट वगैरह हो गया, जो चीजें आपने दिया, प्रैक्टिकल फाइल तैयार किए उसके भी आप पर। ठीक है, बाकी घबराना नहीं है, प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, सबको अच्छा मार्क्स मिलता है क्योंकि यहाँ पूरे प्रैक्टिकल का कंट्रोल ना कॉलेज के हाथ में होता है, तो प्रैक्टिकल में किसी को दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चलो, तो आपका जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें 80 मार्क्स के आपको दिए जाएंगे। देखिए, 20 नंबर कॉलेज की तरफ से होता है जिसमें कि आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, जैसे कि आपका उसमें से 20 में से 10 नंबर हो जाता है आपका किस बेसिस पे, एक्चुअल परफॉर्मेंस है जो सेशनल एग्जामिनेशन में आपका कैसा है ना, फील्ड विजिट, मार्क रूम, ये सब चीजें, असाइनमेंट वगैरह है, तो आपको ओवरऑल इतना समझना नहीं है, बस इतना सोच लीजिए कि 20 नंबर का अगर आपका इंटरनल एग्जाम होता है ना प्रैक्टिकल में, तो कॉलेज वाले आपको 15 17 18 के लमसम दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मेन फंसता मामला 80 नंबर में है ना, और ये 80 नंबर में भी प्रैक्टिकल का किसी का मामला नहीं फंसता है, बस आपको एक फॉर्मेलिटी निभाना होता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे जाना होता है एग्जाम। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, प्रैक्टिकल का डेट आएगी, तो जब आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाएंगे है ना, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ डेट नहीं आई है कहीं जगह पे है ना, कोई बच्चा लिख रहा है मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल हो चुका है तो वहाँ पहले हुआ होगा, वो दूसरे स्टेट से होगा, BTUP से होगा नहीं। तो आपका जो इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे कि एक एक्सटर्नल आता है, एक्सटर्नल आना मतलब समझते हो, एक्सटर्नल आता है और आपका वाइवा वगैरह लेता है, आपसे पूछता है चीजों को वन बाय वन। मैं बताता हूँ कि आपका जो 80 नंबर का पेपर होता है ना,
वो चार सेक्शन में डिवाइडेड होता है। कितने सेक्शन में? चार सेक्शन में। उसमें पहला सेक्शन होता है सिनॉप्सिस। अब आपके लिए सिनॉप्सिस वर्ड नया होगा, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा सेक्शन होता है एक्सपेरिमेंट, तीसरा सेक्शन होता है वाइवा, चौथा सेक्शन होता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो जो सिनॉप्सिस होता है वो 10 मार्क्स का होता है। एक्चुअली सिनॉप्सिस में क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट, एक बुकलेट दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर बोर्ड पे लिख देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पेपर देते हैं आपको और एक बुकलेट देते हैं। जैसे एग्जाम दिया ना तो आंसर शीट मिला था ना, वैसे आंसर शीट मिलेगा और उसमें आपको सिनॉप्सिस लिखना होता है। सिनॉप्सिस मतलब होता है कि आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। छोटा छोटा 2-2 लाइन का आंसर लिखना होता है, 3-3 लाइन का आंसर होता है ना, वो चीजें आपको लिखना होता है। जो मैंने पढ़ाया ना थ्योरी में वही पूछा जाएगा, चिंता नहीं करना है ना। जैसे टैबलेट क्या है, कैप्सूल क्या है, हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या अंतर है, स्यूटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, फिर फार्माकोपिया क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, है ना। इस तरीके से आपका 10 नंबर का सिनॉप्सिस रहेगा, बहुत हल्का हल्का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आराम से आप लिख लेंगे। फिर एक्सपेरिमेंट, जो सबसे ज्यादा नंबर का होता है, 50 नंबर का एक्सपेरिमेंट होता है, 50 मार्क्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब ये 50 मार्क्स के एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है कि आपको 2 भाग में बांटा जाता है, एक मेजर एक्सपेरिमेंट, एक माइनर एक्सपेरिमेंट, है ना। 2 भाग में, जिसका जिसका जो लंबा एक्सपेरिमेंट होता है, जिसका रिजल्ट लेट से आता है, उसको बड़ा एक्सपेरिमेंट को मेजर कह देते हैं, उसको ज्यादा मार्क्स दे देते हैं, और कम वाले को कम, मतलब छोटे एक्सपेरिमेंट को कम मार्क्स दे देते हैं, है ना। 2 एक्सपेरिमेंट मेनली करना होता है ना, और ये 50 नंबर का होता है। और जरूरी नहीं कि आपका, अब डर गए होंगे कि सर एक्सपेरिमेंट तो हम किए नहीं है, अरे सब कॉलेज सेटिंग कर लेता है, सिंपली कुछ नहीं करना होता है, बस उस दिन प्रेजेंट होना होता है बस। फिर वाइवा की बात करते हैं। वाइवा में मामला फंसता है, वाइवा में जो 10 नंबर का है ना, यहाँ पे फंसता है मामला। यहाँ पे आपको नॉर्मली एकदम बेटर ट्रीटमेंट देना है। बेटर ट्रीटमेंट मतलब समझ रहे हो, एकदम अच्छा बच्चा बन के जाना है। अच्छा बच्चा कहने का मतलब है कि प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल आते हैं, दूसरे कॉलेज के टीचर आएंगे और वो आपसे सवाल पूछेंगे, और वो भी जान रहे हैं कि आप कॉलेज में पहली बार आ रहे हैं, है ना, वो भी जान रहे हैं कि आप नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हैं, तो उसी हिसाब से आपसे सवाल पूछते हैं। जैसे अगर स्यूटिक्स का वाइवा ले रहे हैं तो कहेंगे बताओ बाबू स्यूटिक्स में क्या पढ़ते हो, है ना। अच्छा चलो बाबू बताओ कि सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, बताओ बाबू टेबलेट क्या होता है, बताओ बाबू कैप्सूल क्या होता है ना, इस तरीके के सवाल पूछेंगे, बताओ फार्माकोपिया क्या होता है, एकदम हल्का हल्का सवाल, जो कि आप मेरे साथ पढ़े होंगे तो एकदम आसानी से जवाब देंगे। अगर नहीं आता है तो एकदम से सॉरी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बहस करना नहीं, और जितना पूछे उतने बोलना है ना, फालतू का बकवास नहीं करना उनके साथ, उनके ईगो को हर्ट नहीं होने देना। ऑलवेज मानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत एजुकेटेड होंगे, प्रैक्टिशनर होंगे, है ना, डॉक्टर की तरह काम करते होंगे, लेकिन वहां पे डॉक्टर जैसा बिहेव नहीं करना है, वहां पे एकदम बढ़िया से ड्रेसिंग सेंस के साथ बैठना है, जो पूछे सामने बताना है, जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो सर माफ कीजिएगा इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, बोल के आगे निकल जाइए, नंबर आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह, आपने प्रैक्टिकल फाइल वगैरह जो भी दिए हैं उसके हिसाब से 10 नंबर होता है। तो टोटल 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80 80 मार्क्स का इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, एंड 20 मार्क्स इंटरनल। और अगर आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है तो सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल में भी अच्छा होना चाहिए, है ना। जैसे थ्योरी में आपका 80 में कम से कम 60-65 आता है तो अच्छा होता है, वैसे यहाँ पे भी आपको, वैसे प्रैक्टिकल किसी का खराब नहीं जाता, सबको अच्छा मिल जाता है, क्योंकि कॉलेज के अंडर कंट्रोल में होता है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल को लेकर के अभी कोई एग्जामिनेशन डेट वगैरह नहीं आई है, मैं बता दूंगा, मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ। देखिए प्रैक्टिकल 100 नंबर का होता है, 20 नंबर इंटरनल जो कि कॉलेज के हाथ में होता है, 80 नंबर जो कि एक्सटर्नल आते हैं, ठीक है, है ना। यहाँ कहीं और नहीं जाना होता है, आपको कॉलेज में ही एक्सटर्नल आते हैं, आपसे वाइवा लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कराते हैं, सिनॉप्सिस लेते हैं, इन सब मिला करके मैंने बता दिया ना 80 मार्क्स का होता है। बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम कॉलेज के अंडर कंट्रोल में होता है तो वो आपको पास करा देती है, उसमें कोई फंसता नहीं है बच्चा। मेन फंसता है जो 80 नंबर का थ्योरी होता है, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज का कुछ नहीं चलता है ना, वहाँ पर आप एग्जाम दूसरे जगह देने जाते हैं, जैसे मैट्रिक इंटर में होता है, कॉपी कहाँ जाएगा, चेक होने नहीं जाएगा, कोई डर नहीं, वहाँ फेल होते हैं बच्चे, बाकी इस सब चीज़ों में कोई फेल नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम डेट आने का संभावना है कि अगले आपका 10 दिन में पीटीयूपी का प्रैक्टिकल के एग्जाम डेट आ जाएंगे, और फिर उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी करिए। और आप लोग अगर कहेंगे तो मैं सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल का भी सिलेबस है ना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो भी बता दूंगा, थोड़ा बहुत उसमें भी गाइडेंस कर दूंगा, लेकिन अभी मैं 2-4 दिन छुट्टी पर निकल रहा हूँ तो शायद नहीं बता पाऊँ, लेकिन मैं आप लोग जैसा कहेंगे कर देंगे, ठीक है, है ना। तो ये चीज़ें आपका रहने वाला है प्रैक्टिकल को लेकर के। और अगर बात कर लेंगे, आप लोगों के कुछ मेजर डाउट हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिए। बाकी आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेना है, हमारा सेकेंड ईयर का न्यू बैच आ चुका है, उसमें एक ऑफर दिया गया है। और ख़ास बात,
फुल कोर्स की वैलिडिटी 1.5 साल कर दी गई है, 1.5 ईयर वैलिडिटी। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 1.5 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि कई सारे बच्चे सवाल पूछे थे, सर जुलाई में आपका कोर्स हम परचेस कर लेंगे, क्या गारंटी है कि अगले साल जुलाई में एग्जाम हो जाए? है ना, हो सके एग्जाम लेट से हो, अगस्त में हो, होता है कई बार, तो आपका फिर डेट एक्सपायर हो जाता है, एक ही साल होता है। तो इसीलिए मैंने 1.5 साल कर दिया कि अगर अभी आप वैलिडिटी लेंगे तो ये वैलिडिटी आपका जनवरी 2026 तक चलेगा, है ना। तो कोई टेंशन ही नहीं, जनवरी दिसंबर तक में सबका एग्जाम हो जाएगा, आपका एग्जाम तो जून जुलाई में ही हो जाएगा बीटीयू पीएमपी वाले, तो चिंता ही नहीं करना है। तो 1.5 साल की वैलिडिटी है और कोर्स का प्राइस कम कर दिया गया है। अभी फिलहाल लिमिटेड ऑफर में एक कूपन कोड दिया गया है, मैं पहले बता दे रहा हूँ सेकेंड ईयर के कोर्स के लिए, अभी फिलहाल अंदर की बात है बता दे रहा हूँ, एक कूपन है फार्मा 1-2-3। आपको पता होगा हमारे कोर्स का प्राइस, फुल कोर्स का प्राइस 1499 रुपया होता है, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे अगले कुछ दिनों तक ये कूपन कोड एक्टिव रहने वाला है, फार्मा 1-2-3, है ना। अगर ज्वाइन करेंगे इस कूपन कोड के माध्यम से, है ना, ज्वाइन करने से पहले इस कूपन कोड को अप्लाई कर लेंगे, आपको दिख जाएगा वहां, बस एक क्लिक करना होता है, यानी तो ये लिखना होता है फार्मा 1-2-3 कूपन कोड, तो आपका ये कोर्स मात्र 1199 रुपये में पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो। तो बचत है भैया, और 1.5 साल की वैलिडिटी, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, अभी आप ज्वाइन करेंगे तो पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, है ना, अलग अलग एजुकेटर के साथ, मैं पहले बता दूं। उसके बाद डेली लाइव क्लासेस, कब से, जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, प्रैक्टिकल वगैरह हो जाएंगी, रिजल्ट आ जाएगा, तकरीबन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 15 सितंबर से यहाँ पर अपना सितंबर में स्टार्ट करेंगे, अगस्त तक में ये सारी चीजें मामला खत्म हो जाएगा, सितंबर 15 सितंबर से हम लोग यहाँ डेली लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। और आप लोगों का सवाल होगा, सर आप पढ़ाएंगे कि नहीं? हाँ जी, मैं पढ़ाऊंगा, और मेजर सब्जेक्ट, है ना, सबसे ज्यादा और सबसे मेन सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपिटिक्स, आपका बायोकेमिस्ट्री, है ना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, 4 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा जो कि बीटी वाले बच्चों के लिए है इन्वायरमेंटल, है ना, और 3 सब्जेक्ट जो है ना वो हमारे साथ सहयोगी टीचर जो हैं वो पढ़ाएंगे, और बेटर भी पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना, एकदम मस्त पढ़ाने वाले हैं। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा डेली 1 घंटा, अभी फिलहाल आपको बस 1 घंटा पढ़ना है, और पढ़ने का टाइमिंग क्या होगा, वही रात में 8 से 9 आपके क्लास की टाइमिंग होगी, आराम से आप दिन में जो काम करते हैं करिए, रात में 8 बजे के बाद ही क्लास चलेगी आपकी, है ना, ताकि आप अपना काम वगैरह कर सकते हैं, 1-1 घंटा पढ़ते चलिए, मैं एग्जाम के टाइम पे, लास्ट टाइम पे रिवीजन अच्छे से करा दूंगा, आप आराम से निकल जाएंगे जैसे फर्स्ट ईयर निकले ना वैसे। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, बाइलिंगुअली, एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस अभी से मिलता रहेगा, ताकि भविष्य में आपको एग्जिट एग्जाम देना है तो दिक्कत ना आए। एंड अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं, है ना, बुक मंगाना चाहते हैं, जानते होंगे कि फार्माकोलॉजी बहुत मोटी किताब वगैरह आती है, केडी त्रिपाठी, ये वो लनफन, मोटी मोटी किताब आती है, लेकिन डी फार्मा में उतना नहीं पढ़ना है। देख लीजिए इकोलॉजी की किताब मैंने तैयार किया है, बस इतना पतला सा किताब है, है ना, इसको पढ़िए काम हो जाएगा। इसी तरीके से 6 सब्जेक्ट का जैसे फर्स्ट ईयर में गाइड था, वैसे सेकेंड ईयर का हमारा गाइड भी आ चुका है, अगर आप गाइड ऑर्डर करना चाहते हैं तो गाइड भी ऑर्डर कर लीजिए, गाइड भी अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है 999, है ना, 999 में 6 सब्जेक्ट का गाइड आपको मिलेगा, इसका प्राइस बढ़ने वाला पहले बता रहे हो। हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल है, विद इन 8-10 डेज, 8 से 10 दिन के अंदर आपके घर पर ये बुक चली जाएंगी एकदम अच्छे तरीके से। इसके लिए करना क्या होता है, कैसे करेंगे ये चीज़ें, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है, कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है, एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर का कोर्स दिख जाएगा, है ना, उसके नीचे डी फार्मा सेकेंड ईयर का गाइड दिख जाएगा, आराम से आप इसको परचेज कर लीजिए। अभी जो ये 1499 दिख रहा है 1199 हो जाएगा अगर कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा फार्मा 1-2-3। एंड ज्वाइन करने में अगर किसी प्रकार का समस्या आएगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, सुबह 8 से 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने का प्रयास करेगी। बाकी आप लोगों के कुछ डाउट हैं तो मैं आपके डाउट्स ले लेता हूं। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल एक दिन नहीं होता है, हर एग्जाम का अलग अलग होता है, ठीक है, जैसे थ्योरी का होता है ना, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन एचएपी, एक दिन सोशल फार, वैसे होता है। फर्स्ट ईयर वालों का कुछ बता दो प्लीज, बहुत डर लग रहा है, अभी न्यू स्टूडेंट हूँ प्लीज सर। सचिन जी आप चिंता ना करें, फर्स्ट ईयर के लिए भी न्यू बैच आ चुकी है ना, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर के लिए भी नई बैच आ चुकी है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, है ना, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी उसके लिए हम लोग अगस्त से शुरू कर देंगे फर्स्ट ईयर का नया बैच वहाँ पे पढ़ाना, है ना, आप चिंता ना करें। सचिन जी सचिन नहीं है, बताइए सर एमपी वालों का क्या, एमपी वाले का अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम होना है, उसके लिए फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स में डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, उसको देखने दिए।
सर कैसे परचेज करें, रिजल्ट को दो जाने आप डिस्काउंट दे। हाँ जी, अभी रिजल्ट नहीं आई है मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे ना रिजल्ट के भरोसे। कितना दिन बैठोगे अपना, एक एक घंटा थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा थोड़ी कि बैक लग जाएगा, फर्स्ट ईयर में ही रह जाएंगे आप। बाद में कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लाइव क्लासेस यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट के बाद ही शुरू होगी। हाँ जी, एमपी वाले बच्चे के लिए डेली लाइव क्लासेस ऐप पर दी जा रही है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का सारा डाउट खत्म हो गया। बीटीयूपी का प्रैक्टिकल एग्जाम अभी अगले 10 से 15 दिन में आपको डेट देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है जुलाई के लास्ट में प्रैक्टिकल हो जाए। सर आप मिर्जापुर सीजन 3 देखें कि नहीं? अरे यार, इतना टाइम किसको है। फर्स्ट ईयर वालों का कुछ कुछ रील्स वगैरह मोबाइल में आता है तो मैं देखता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। वो जो मुंडी काटने वाला सीन है ना, वो रील्स में आया था तो देखा था, क्योंकि मुंडी काट देता है सीजन 3 में। ऐसा कुछ देखेंगे, अभी फ्री रहेंगे, अभी तो मेरे एग्जाम्स के डेट आने वाले हैं तो अभी तो मैं नहीं देख पाऊंगा। सर फर्स्ट ईयर वालों का कुछ बता दो। चलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, जिनको बुक बाय करना है बुक मंगा लीजिए, कोई अदर बुक मंगाने की जरूरत नहीं है। आप इस हमारे बुक को मंगाइए, पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, एकदम आसान लैंग्वेज में। जय श्री राम का क्या है, क्या कमेंट है भाई, क्वेश्चन क्या है? जय श्री राम, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है, बस ये दिख रहा है कि आपका मेरा जवाब दे दो, मेरा जवाब दे दो। क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, बीटीयूपी में हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड फिर जिनको ज्वाइन करना है सेकेंड ईयर का कोर्स, ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर में चल रहा है, ठीक है।